जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कमलेश वर्मा ने विभाग तरफ से चल रही योजनाओं पर कहा कि दिव्यांगों के लिए विभाग की तरफ से अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से पेंशन योजना है जो कि 1,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, जिसका ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है, और दिव्यांगों को सहायक उपकरण का भी वितरण किया जा रहा है जो कि 10,000 का रहता है। इसके अलावा दुकान संचालन की भी योजना संचालित है जिसके तहत 10 से 20,000 का अनाज दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों के शादी विवाह के लिए महिला दिव्यांग को 20,000, पुरुष दिव्यांग को 15,000, दंपति दिव्यांग है तो 35,000 की सहायता दी जाती है, और जो मुखबधिर बच्चे हैं उनको मशीन भी उपलब्ध करवाया जाता है जिससे बच्चे बोल व सुन सकते हैं, जिसमें 6,00,000 का खर्च आता है जो कि पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। उन्होंने बताया कि जिन दिव्यांगों का फैमिली आईडी नहीं बना है वो लोग ज़रूर बनवा लें, नहीं तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। सभी दिव्यांगों को दिव्यांग सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जरूर बनवा लें जिसमें योजना का लाभ मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी कमलेश वर्मा ने कहा, इस समय विभाग में, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। स्पेशली मुख्य रूप से यहाँ पे पेंशन योजना है जिसमें वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा 1,000 प्रतिमा कर दी गई है। ये ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं SSPY से, सभी तरह के पेंशन, चाहे विधवा हो, दिव्यांग हो, चाहे आपके ओल्ड एज, तीनों तरह के पेंशन वहीं से किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग इनको फिजिकल एम्पावरमेंट करने के लिए इन्हें उपकरण का भी वितरण किए जा रहे हैं, जिसे दिव्यांग सहायक उपकरण योजना के नाम से जानते हैं, जिसके तहत 10,000 तक का उपकरण इन दिव्यांग को उसकी आवश्यकता अनुसार क्रय करके दिया जाता है। इसी क्रम में इनको इकोनॉमिकली स्ट्रांग एम्पावरमेंट करने के लिए दुकान संचालन का योजना भी संचालित है, जिसके तहत 10,000 और 20,000 का संचालन धनराशि दिया जा रहा है। और इसी क्रम में शादी विवाह एक योजना हमारे यहाँ से संचालित है, और जिसके तहत महिलाओं को 20,000, अगर महिला दिव्यांग है तो उसको 20,000, पुरुष अगर दिव्यांग है तो 15,000, अगर दंपति दिव्यांग है तो 35,000 का संचालन। और ये खासकर मैं आपसे दो चीज़ों पे, एक काकलिया इम्प्लांट सर्जरी के तहत हम लोग 5 साल से छोटे बच्चों को काकलिया इम्प्लांट कराई जाते हैं, जिसके तहत उन मूक बधिर बच्चों को जो बोल सुन नहीं सकते इनको एक सर्जरी के माध्यम से आर्टिफिशियल मशीन जिसे काकलिया कहते हैं लगाई जाती है, जिसके तहत ये बच्चे बोल सुन सकते हैं। इसमें लगभग 6,00,000 का खर्च आता है जो कि पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो फैमिली आईडी एक बहुत बड़ी इशू है जिसके तहत सत्यापन किए जा रहे हैं। जिन दिव्यांगों को, मैं उनसे आग्रह जरूर करूंगा कि जिन लोगों ने अभी फैमिली आईडी नहीं बनवाया है वो फैमिली आईडी बनवा लें, अन्यथा सरकारी लाभों में उन्हें कोई अनेक प्रकार से सुविधाजनक होगी, अन्यथा की स्थिति में उन्हें सुविधा भविष्य में पाने में असुविधा जरूर होने लग जाएगी। धन्यवाद। मुख्य रूप से अगर किसी को भी दिव्यांग है तो उसको 4 कागज तो श्योर उसके अपने से बनवा लें। एक दिव्यांग सर्टिफिकेट जो CMO के यहाँ बनती है, हफ्ते में 2 बार सोमवार और बृहस्पतिवार को बनाई जाती है, ऑनलाइन भी वो सुविधा है, लेकिन अगर पहली बार है तो उसको वहाँ पर फिजिकल रूप से एक बार उपस्थित होना होता है। दूसरा कागज होता है उसके इनकम सर्टिफिकेट के लिए, आय प्रमाण पत्र जिसे हम कह रहे हैं, तहसील से बना ले तो सबसे अच्छा है, अन्यथा प्रधान और हमारे विधायक सांसद भी बनाते हैं। और तीसरा उनका आधार कार्ड और एक उसका बैंक पासबुक और फोटोज, और कुछ स्पेसिफिक जैसे अब शादी विवाह के लिए तो उसको शादी की भी भाई अपने एक रजिस्ट्रेशन या कार्ड की ज़रूरत होती है, दुकान के लिए उसके 2 गवाह की ज़रूरत होती है, बाकी सेकेंडरी चीज़ है वो बहुत स्पेसिफिक। मोटा मोटा देखा जाए तो 4 तरह के हमें कागज़ ज़रूरत होती है, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार और एक बैंक पासबुक।